हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं एक ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को मेरे दोस्त ने इनवाइट किया है और मैं ऑलरेडी एक डेढ़ घंटा लेट हो चुका हूँ। तो बट कोई नहीं, अभी फटाफट हम लोग चलते हैं। और मेरे साथ में अंकित है, और वो कौन से जगह पे मैं जा रहा हूँ और क्या चीज़ के लिए मेरे को इन्वाइट किया है वो मैं उधर पर पहुँच के बताऊँगा। बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे को फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था कि सुशील जल्दी आ, हम लोग निकल चुके हैं। मेरा प्लान था कि थोड़ा जल्दी जाके उस लोकेशन पर अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, बट लेकिन थोड़ा फ्लॉप हो गया। ठीक है, बट कोई नहीं, चलते अभी फटाफट। और अभी सनसेट भी होने वाला है, तो सनसेट से पहले मेरे को उधर पहुंचना भी। तो चलिए फिर, आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लग गया। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, और सीरियसली बोलो थोड़ा लेट हो गया, मैं जो सोचा था वो हुआ नहीं, बट कोई नहीं। और ये मैं आया हूँ पोईसर में, आप बैकग्राउंड सुन सकते हो कि मैं कहाँ पे आया हूँ। तो अभी गणेश चतुर्थी आ चुका है जो कि 19 सितंबर को है, तो अभी से बहुत सारी गणपति का आगमन है, जिसमें से एक मेरे फ्रेंड का है सिद्धेश्वर, पोईसर का महाराजा। तो मेरे को बोला सुशील तू आ जाए इधर पे, थोड़ा वीडियोज वगैरह बना, तुम्हारा जरूर आता हूँ मैं। तो इसका नाम है मिलिन, तो थैंक यू सो मच ब्रो इन्वाइट करने के लिए। बस सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट कोई ना, अभी देख रहे पूरा अंधेरा हो गया है और वो सामने गणपति है, तो थोड़ा नजदीक जाते हैं गणपति के और आपको दिखाता हूँ। गणपति है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारा बैंड है, लोग 7 से 8 बैंड, मतलब ग्रुप बोलते हैं ना, वैसा ग्रुप है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑलमोस्ट अभी हम लोग पंडाल के पास पहुँचने वाला है, जो कि देख सकते हो बाहर से ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किए हैं। तो अभी मैं पंडाल के गेट के पास में ही हूँ, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया इधर पर, ट्रैफिक पुलिस वाले भी है। Thank you.
अच्छा था, सीरियसली बोला बहुत मज़ा आया। अंदर फुल डीजे वगैरह चालू हो गया तो मैं अंदर व्लॉग तो थोड़ा भी नहीं बना पाया क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकलता यार, कितना भी चिल्लाता आवाज़ रिकॉर्ड होता ही नहीं। अभी देख रहे हो आवाज़ भी आ रहा बाहर तक, तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ क्योंकि अभी ये प्रोग्राम 12 बजे तक चले है, तो भाई अपन इधर रुक नहीं सकते क्योंकि नेक्स्ट डे अपने को ऑफिस भी जाना रहता है। तो आई होप ये व्लॉग आपको कहीं से भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और डेफिनेटली ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा ही। और अभी पप्पा जी का दिन भी आ रहा है 19 सितंबर, तो बहुत सारे प्लान है मेरे, तो सबको खुली करें कैसे लगा आंटी जी वाला? बहुत अच्छा लगा एकदम, मतलब दिल को खुशी मिल रही है ऐसे आज, मतलब फुल ऑफ जॉय। और ये सब का क्रेडिट मेरे दोस्त को जाता है मिलिन, जो कि मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प किया हर जगह पे। चलिए फिर बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।